आए हैं, हम किसी मेले संगत में नहीं आए हैं, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात करने के लिए आए हैं। सो अपने एक हाथ की पांच उंगलियों पे मैं बताना चाहता हूं ये एनआरसी क्या बला है। ये एनआरसी छोटी उंगली से शुरू होके अंगूठे तक जाने वाला खेल है। शुरुआत छोटी उंगली से होगी। अप्रैल के महीने में, आज 26 जनवरी हो गई, दो महीने बचे हैं। अप्रैल के महीने में हमारे घर कोई स्कूल का टीचर आएगा, कोई अध्यापक आएगी, कोई मैडम आएगी, कहेगी बस एक छोटा सा काम है, आपके घर में कितने बाशिंदे हैं, बस उनका नाम लिखना है, उनकी उम्र लिखनी है, और हाँ साथ में ये और बताना कि आपकी माँ और आपके वालिद वो कहाँ पैदा हुए थे, वो कब पैदा हुए थे, बस मुझे लिखना है और कुछ नहीं करना। आप सोचेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, आप कहेंगे दस्तावेज नहीं देंगे, वो कहेंगे नहीं हमें दस्तावेज चाहिए नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम तो बस आपसे सिर्फ थोड़ी सी चीज पूछने आए हैं। आप कहेंगे चलो भाई ठीक बात है तो कर देते हैं। तो बातचीत सिर्फ एक छोटी उंगली से शुरू होगी। वो घर से सिर्फ ये नोट करके लेके जाएंगे, आपको लगेगा भाई कोई दस्तावेज तो मांगा ही नहीं मेरे से, कोई बात नहीं बता दिया मैंने इनको। उसके बाद दूसरी उंगली का नंबर आएगा, थोड़ी बड़ी उंगली है, जो नाम आपके मोहल्ले से नोट करके लेके जाएंगे, सरकारी दफ्तर में जाके उनमें से कुछ नामों के आगे डी लगा दिया जाएगा। डी का मतलब डाउटफुल, इसका मतलब जिस नामों पर शक है। शक किस बात का है? शक है कि वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। शक किस आधार पे होगा भाई? पता नहीं, कानून में लिखा नहीं है। शक इसलिए हो सकता है कि वो अफसर सोचता है कि आपके जवाब जो हैं वो ठीक नहीं है। शक इसलिए हो सकता है कि आप अपने माँ बाप की पैदाइश कहां हुई बता नहीं पा रहे हैं। शक इसलिए हो सकता है कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी है। तो जो आप समझ लीजिए आपके मोहल्ले से अगर 500 नाम लिख के लेके जाते हैं, उनमें से 20, 50, 100 नाम के ऊपर बी लगा दिया जाएगा। शक इसलिए भी हो सकता है कि वो आपको कपड़ों से पहचानते हैं, ये भी हो सकता है, शक हो सकता है। तो दूसरी उंगली कुछ नामों पर डी लगा दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी उंगली, ये बड़ी उंगली है, जिन नामों पर डी लगा दिया जाएगा उनको सरकार की तरफ से नोटिस आएगा कि अब आप साबित करो कि आप भारत के नागरिक हो के नहीं हो। मेरे घर नोटिस आ गया लेकिन मेरे पड़ोसी के घर नहीं आया। मैंने पड़ोसी को कहा कि भाई मेरे घर नोटिस आ गया, वो कहेगा मेरे तो नहीं आया, तेरी प्रॉब्लम है, तू जाके निपट ले। मैं अकेला पड़ गया तब, क्योंकि 500 में से 40 के घर नोटिस आया, बाकी सब खुश हैं, ये 40 लोगों की मुसीबत। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो मेरे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेके जाएंगे, वो कहेंगे आधार कार्ड अपनी जेब में वापस रख लो, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि आपका चेहरा और नाम एक दूसरे से मिलान होता है, इससे फालतू कुछ नहीं होता आधार कार्ड से। आप सोचेंगे मेरे पास राशन कार्ड है, वो कहेंगे राशन कार्ड को अपने थैले में वापस रख लो, राशन कार्ड आपकी पैदाइश का सबूत नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं 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 मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम है, अभी मैं दिल्ली में वोट देके आ रहा हूं, वो कहेंगे वोटर लिस्ट को चेक करने के लिए ही तो हम सारा काम कर रहे हैं, इस वोटर लिस्ट से कुछ नहीं बनेगा। ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। असम में जब एनआरसी हुआ तो ठीक यही हुआ है, उन्होंने कहा आधार कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है, वोटर लिस्ट मान्य नहीं है, सबूत लाओ अपनी पैदाइश का।
सबूत लाओ मां बाप की पैदाइश का, कहां से लाएंगे? किसी एक मजहब की प्रॉब्लम नहीं है, ये गरीब लोग कहां से लाएंगे? मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं, मेरी माँ स्कूल में टीचर रही है, पिताजी प्रोफेसर हैं। आप मेरे से पूछ लो मेरी माँ कहां पैदा हुई थी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। कहां से लोग इसका सबूत लाएंगे, कहां से जानकारी लाएंगे? हर कोई गरीब भागता हुआ आपको दिखाई देगा, हर कोई दस्तावेज इकट्ठा करेगा, हर दफ्तर में पैसा मांगा जाएगा, यही खेल होगा इस देश में। तो ये तीसरी उंगली, चौथी उंगली है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। अगर उस 40 में से समझ लो 20 लोग तो दस्तावेज दे दिए, 20 लोगों के दस्तावेज नहीं मिले तो उन 20 लोगों को कहा जाएगा अब एक आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, साबित करो कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, ये विदेशियों की अदालत है, इसके अंदर जाके साबित करो। उस अदालत में क्या क्या गोरख धंधा हुआ है, किसी साथी से आप असम का किस्सा सुन लेना, सड़क पे चलते वकील को उठा के जज बना दिया था उस अदालत के अंदर। ये चौथी उंगली, समझ लो 20 में से 10 लोग इससे भी पार हो गए, चलो वो पास हो गए, वो किसी तरह से फॉरेनर ट्रिब्यूनल में दिखा सके, फिर भी 10 बच गए। जो 10 बच गए वो कहां जाएंगे? उनके लिए पांचवी उंगली, ये अंगूठा, दबाने वाला अंगूठा, यानी कि डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर का मतलब जेल, मतलब ये कि सैकड़ों साल से जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को रातों रात विदेशी घोषित कर दिया जाएगा, और विदेशी घोषित होने का मतलब है डिटेंशन सेंटर के अंदर। ये डिटेंशन सेंटर मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये डिटेंशन सेंटर असम में बना हुआ है। इस डिटेंशन सेंटर में लोगों की मौत हुई है, सरकार ने लोकसभा में कबूला है। इस डिटेंशन सेंटर में कैसे रखा जाएगा, कितने कमरे होंगे, मर्द औरत को कैसे अलग रखा जाएगा, इसके बारे में किताब इस देश की लोकसभा में पेश हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर तो इस देश में है ही नहीं, बताइए। तो मैं चाहता हूं कि हम समझें, ये कहानी जो छोटी उंगली से शुरू होगी ये अंगूठे के तले जाके दब सकती है। इसलिए अगर इसे रोकना है तो एक ही तरीका है, कान खोल के सुन लीजिए आप, एक ही तरीका है। जैसे ही पहली उंगली को दबाने की कोशिश हो, आप पांचों उंगलियां बंद कर लीजिए और मुट्ठी ऊपर कर लीजिए। यानी कि जैसे ही हमारे घर में कोई आए, मास्टर जी आए, स्कूल की मैडम आए, उन्हें प्यार से घर में बुलाइए। कुछ कहते हैं भगा दीजिए, बिल्कुल मत भगाइए भाई, टीचर से हमारी क्या लड़ाई है। घर में बुलाइए, पानी पिलाइए, चाय भी पिलाइए। चाय पीने के बाद वो कहेंगे अच्छा अम्मा, अच्छा बहन जी, चाय तो हो गई, अब बता दो घर में कितने बाशिंदे हैं। उनको कहिए मास्टर जी एक मिनट रुको, रसोई में जाके कोई नमकीन जरूर लेके आइए, नमक जरूर खिलाना है, क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसे से ये काम होता है। याद दिलाना है कि आप इस देश के संविधान के लिए वफादार हो, किसी पार्टी के लिए वफादार नहीं हो। तो इसलिए नमक जरूर खिलाना है। नमक, नमकीन खाने के बाद वो कहेंगे अच्छा बहन जी नमकीन भी हो गया, अब तो बता दो घर में कितने बाशिंदे हैं। बस तब आप हाथ जोड़ देना कि मास्टर जी बात पूरी हो गई, अब और कुछ नहीं, अब कागज नहीं लिखाएंगे। पुराना महावरा था, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन दिखाने की नौबत तो तीसरी उंगली पे आएगी ना, पहले तो हमें कहना होगा कागज नहीं लिखाएंगे। आप पूछेंगे हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। हो सकता है मास्टर जी नाराज हो जाए,
हो सकता है आपको बताने लगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं, देश का संविधान है, संसद ने पास किया है, आप कैसे ना कर सकते हैं। उनको कहिएगा, अदब से कहिएगा, प्यार से कहिएगा, मास्टर जी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मैडम आप हमारे बच्चों को पढ़ाती हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या करें, महात्मा गांधी की इज्जत थोड़ी ज्यादा करते हैं, क्या करें, इस देश के राष्ट्रपिता हमें कह गए थे कि अगर कोई गलत कानून हो, अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो ना इंसाफी पर आधारित है, जो भेदभाव पर आधारित है, तो उस कानून को ना मानना हमारा हक ही नहीं, हमारा फर्ज भी बनता है। तो उन्हें कहिएगा, मास्टर जी क्या करें, अब आपकी माने या महात्मा गांधी की माने, हम तो महात्मा गांधी को चुनेंगे, बाकी आपसे कोई झगड़ा नहीं है हमारा, ये कहना पड़ेगा। ये आवाज मैं चाहता हूं शाहीन बाग से देश के कोने कोने में जाए, एनपीआर को बायकॉट करना पड़ेगा। 1 अप्रैल को एनपीआर इस देश में शुरू होगा। एनपीआर का बायकॉट अगर नहीं किया तो एनआरसी जिस दिन हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा कब हो गया, कोई आपके घर एनआरसी के लिए दोबारा नहीं आएगा, एनपीआर से ही एनआरसी अपने आप निकल जाएगा। बस 2-3 बात और कहना चाहता हूं, इस आंदोलन ने इस देश को नई हिम्मत दी है, इस आंदोलन ने सच की ताकत दी है। जो लोग इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि कहीं आपकी जुबान फिसले, कहीं कोई गलत हरकत हो जाए, उन्हें यही चाहिए। ये याद रखिए कि बंदूक से ज्यादा ताकतवर कैमरा है जो मेरी बहन के हाथ में इस वक्त है, बंदूक से ज्यादा ताकतवर कैमरा है, और आज बहुत कैमरे घूम रहे हैं, इनमें से कुछ कैमरे सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि कोई एक बेजा हरकत हो जाए तो उसको ले जाके बार बार दिखाया जाए, इसलिए घूम रहे हैं कि एक जगह जुबान फिसल जाए तो उसको 10 लाख बार दिखाया जा सके। इसलिए हमें क्या करना है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस मंच से, देखिए ये जो मंच है इस वक्त सारा देश इसे देख रहा है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस मंच से कोई बेजा बात ना हो। कई बार ताली पिटवाने के जोश में हम बहुत बातें कह जाते हैं, लेकिन ये वक्त सिर्फ जोश का नहीं है, ये वक्त होशो हवास बना के रखने का है। इसलिए बेहद जरूरी है कि किसी की जुबान न फिसले, और अगर किसी की जुबान फिसलती है तो उसे एकदम अपने आप को अलग कर लिया जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कल एक बात आई, एक शख्स ने आसाम के बारे में कुछ बात कही, आपके भी नोटिस में आई होगी, बहुत गलत बात कही। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, मैं यहां सिर्फ ताली पिटवाने और वाहवाही लेने नहीं आया। अगर आपने मुझे अपना हमदर्द, अपना साथी माना है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं कहूं कि उस शख्स ने जो भी आसाम के बारे में कहा वो बहुत गलत कहा, और मुझे खुशी है, मुझे फक्र है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तत्काल कह दिया ये हमारी बात नहीं है, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, आपने बहुत बड़ा काम किया। दूसरी बात, कल परसों यहां एक पत्रकार साथी के साथ कुछ धक्का मुक्की हुई है, बहुत लोग कहते हैं कि वो जो करते हैं उसे पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता, मुझे भी ये महसूस होता है,
बहुत लोग आज मीडिया में जो कर रहे हैं उसे पत्रकारिता तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इस आंदोलन में आज इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, और हिम्मत इसलिए है कि हम सच पे खड़े हैं, हमें छुपाने को कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी पत्रकार आता है, मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, कोई भी पत्रकार आए किसी भी नियत से आए, वैसे अमूमन मैं कहता हूं कि ज्यादातर पत्रकार ठीक ठाक लोग होते हैं, ये कर्मचारी हैं, जो सारी बदमाशी होती है वो मालिक करता है ऊपर, कर्मचारी आमतौर पे नहीं करता। लेकिन कई पत्रकार होते हैं जो खुद बदमाशी कर रहे होते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपने मुझे साथी माना है, तीसरी बार बुलाया है, तो इतना हक मेरा भी है कहने का, आने दीजिए किसी भी पत्रकार को, किसी भी बदमाशी की नियत से आए उसको भी आने दीजिए, उसको बैठा लीजिए बीच में, कहिए बेटा पूछ, पूछ इस दादी से सवाल पूछ ले, चलिए बच्चा बैठा है इससे पूछ ले किसी से, हमें छुपाने को कुछ नहीं है, हम किसी को नहीं भगाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारी हिम्मत और ताकत का सबूत होगा। ये बात जरूर है कि रवीश कुमार को जो प्यार मिलेगा वो प्यार हर कोई मांग नहीं सकता। जो यहां बदमाशी की नीयत से आए, इस आंदोलन को बदनाम करने की नीयत से आए, वो हमसे प्यार नहीं मांग सकता, लेकिन हमारा सीना इतना बड़ा है कि हम उसको हक जरूर देंगे, आजा बेटा बैठ जा, कर ले इंटरव्यू, तूने जो करना है दिखा दे, सच वालों को किसी से डर नहीं लगता। ये इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा। मेरे शब्द याद रखिएगा, बंदूक से ज्यादा ताकतवर कैमरा है आज, और आज आपके खिलाफ सबसे बड़ी जो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, जो खेल खेले जाएंगे वो कैमरा से खेले जाएंगे। इसलिए अपनी तरफ से किसी भी जुबान को फसलने से रोकना है, किसी बेजा हरकत से रोकना है, और जो करे उसको इस आंदोलन से अलग कर देना है, तभी आंदोलन आगे जाएगा। याद रखिए, पूरे देश की निगाह आप पे है। आज शाहीन बाग की जिम्मेवारी छोटी नहीं है। कलकत्ता के अंदर 8 साल की बच्ची मेरे से पूछती है, अंकल आप शाहीन बाग गए थे? जब मैं उसे कहता हूं बेटा मैं गया था, वो मेरा हाथ ऐसे पकड़ के चूमती है जैसे मैं काबा होके आया हूं। आज शाहीन बाग एक तीर्थ बन गया है, जैसे कुछ लोग काशी जाते हैं, कुछ लोग अमृतसर हरमंदर साहब जाते हैं, कुछ लोग अजमेर दरगाह शरीफ जाते हैं, आज इस देश के नौजवान और लड़कियां शाहीन बाग आती हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बाकी सबसे 5 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। यहां एक भी छोटी गलत बात होती है, इसका असर सब लोगों पे पड़ता है। इसको बचाना, इसको हिम्मत देना हमारा काम है। बस आखिर में एक और बात कहता हूं, शाहीन बाग सफल हुआ है इसलिए कि देश के लोगों को ये बात पता है, हर एक को पता है कि औरत जल्दी से बाहर नहीं आती इस देश में। जब सड़क पे प्रदर्शन धरना जलूस होता है, औरत झांक के देख लेती है, अच्छा कुछ हो रहा है, फिर वापस रसोई में चली जाती है, घर में चली जाती है, वो बाहर नहीं आती है। इस देश में औरत बाहर तभी निकलती है जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है। और इसीलिए औरत के बाहर निकलने का वो असर है, इसीलिए कई लोग बार बार शाहीन बाग का नाम ले रहे हैं, डर लगता होगा इसीलिए ले रहे हैं ना, बार बार नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर है
दादी माँ की तस्वीर, बच्चे की तस्वीर, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल पे दस्तक करती है। और ये बड़ा काम किया है, इससे सबको समझ आता है कि औरत, अगर औरत बाहर आई है तो भाई कुछ तो होगा, ऐसे तो नहीं आई है ना। तो औरत तभी बाहर आती है जब पानी नाक के ऊपर चला जाए, लेकिन एक बार बाहर आ गई तो वो जाती नहीं है जब तक अपना उद्देश्य हासिल नहीं हो जाए। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है, ये संघर्ष पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मिलके बताएं, हमारी हिम्मत बताएं, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत का दिन है, आज 26 हो गई है, 30 जनवरी को वो दिन है जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां लगा डाली थी। 5:17 पर ये वाकया हुआ था। इस बार 30 जनवरी का एक खास महत्व है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये आपकी मेरी लड़ाई नहीं है, किसी एक पार्टी और दूसरी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये विचार की लड़ाई है, ये गांधी और गोडसे की लड़ाई है। जो नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो पुलिस को अपने साथ लेके चलते हैं, और जो गांधी को मानने वाले हैं वो आधी रात ठंड के अंदर नीचे बैठते हैं। इस गांधी और गोडसे की लड़ाई में 30 तारीख को हम सबको दिखाना है कि ये पूरा देश गांधी के साथ है। इसलिए ये तय हुआ है कि पूरे देश में 30 तारीख को शाम 3-4 बजे सब लोग अपना हाथ पकड़ के एक बड़ी सी चेन बनाएंगे, आप उसे चेन कह लीजिए, श्रृंखला कह लीजिए, माला कह लीजिए, सब हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जोड़ के दिखाएंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, और हम जोड़ेंगे इसकी मिसाल हम 30 तारीख को पेश करेंगे। सब लोग एक बड़ी माला बनाएंगे, 5:17 पे गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे, अपना सर झुकाएंगे, और उसके बाद पूरा देश एक साथ जनगण मन गाएगा, ताकि पता लगे कि ये देश जुड़ गया है, ये देश टूट नहीं सकता, इसको तोड़ने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, और मुझे यकीन है कि आप इसको सफल बनाएंगे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जहां जहां तक आपकी आवाज जाती हो, आपका व्हाट्सएप जाता हो, आपका फोन जाता हो, सब तरफ बताइएगा, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में 30 तारीख की शाम एक चेन बनाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, ये देश जुड़ा हुआ है, ये देश जुड़ रहा है, ये भारत जोड़ो आंदोलन है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये बात हम सड़कों पे दिखाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत मेहरबान, शुक्रिया। अभी अगले वक्ता में आचार्य